मैं हूं मुदित और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में सो क्लास टेन आपकी रिक्वेस्ट पे हिंदी मीडियम में आपको साइंस का वर्कशीट दिया जा रहा है तो ये आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक 11 है जो आपको 30 जुलाई को करनी है और हमारा टॉपिक है चुंबक के बारे में और अधिक जानकारी देखिए जब आप इस वर्कशीट को पढ़ेंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि चुंबक का और विज्ञान का क्या महत्व है या चुंबक का विज्ञान में क्या महत्व है ये हर जगह आपको नजर आएगा और आगे जब आप विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पे भी, भी आपको चुंबक के बारे में पता चलेगा ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले कार्यपत्रक में बताया था चुंबक होता क्या है यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो आपको विज्ञान के चैप्टर जो आपका नेक्स्ट टर्म में आएगा वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा चुंबक की खोज की अगर बात करें कि कब इसकी खोज हुई तो प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से एक थे यानी अगर हम यूनानी लोगों की बात करें तो उन्होंने ही प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी प्राकृतिक चुंबक क्या है चट्टान जो हम रॉक निकालते हैं ना मिनरल्स चट्टान तो ये एक ऐसी चट्टान होती है जो प्राकृतिक रूप से कैसी है चुंबकीय इसमें चुंबकीय गुण होते हैं उनके लिए चुंबक एक जादुई आकर्षण था आप सोचिए कि कोई चट्टान है कोई पहाड़ है कोई पत्थर है ठीक है जो चट्टान है वो ही चुंबक की तरह काम कर रही हो तो क्या हो सकता है एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं इसी तरीके चुंबकीय क्षेत्र उसको आप देख तो नहीं सकते किंतु महसूस कर सकते हैं जैसे कि इसको मैं आपको ऐसे बताऊंगी ये है आपका चुंबक ठीक है और हमने पिछले कार्यपत्र में पढ़ा था कि चुंबक का क्या होता है दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल और इस तरीके से उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरा चुंबकीय क्षेत्र फैला होता है यानी आप चुंबक के जितना पास रहोगे उसका चु, उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा जैसे जैसे दूर जाओगे वो कम होता जाएगा इस बात को जब मैं समझाऊँ तो बच्चों को कम समझ में आता है इसे रियल लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पर एक आग है ठीक है पेड़ बना दिया यहाँ पे एक आग है यहाँ पे थोड़ी सी फायर है ठीक है आग जल रही है अब आग के बिल्कुल क्लोज आके आप बैठोगे तो आपको फील होगा उलझा फील होगा हीट फील होगा ठीक है उसे देख नहीं सकते हो उलझा को आपको आग दिख रही है रोशनी दिख रही है लेकिन हीट नहीं दिख रही है उस उलझा को आप महसूस कर सकते हो इस जोन में इसके बाद इससे थोड़ा सा और आगे जाओगे तो उसका जो क्षेत्र है ऊर्जा का वो थोड़ा कम होगा फिर और जाओगे तो और कम इसी तरीके से जहां पे हमारा चुंबक होता है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं वैसे वैसे वो क्षेत्र कम होता जाता है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है यह यह आयरन से भरपूर होता है तो ये इमेज में आपको मैग्नेटाइट दिखाया गया है ये एक प्राकृतिक चुंबक होता है उसके अंदर क्या होता है आयरन होता है कुछ धातुओं चुंबक भी बन सकती हैं अब देखिए हमारे पास धातु होती हैं धातु हमारे पास क्या है लोहा हो गया, हो गया गया कोबाल्ट तो जो धातु है इसको भी हम थोड़े टाइम के लिए चुंबक में बदल सकते हैं कैसे इनमें लोहा कोबाल्ट और निकल शामिल है यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं ये एक प्रकार का गेम होता है बच्चे बचपन में खेलते भी है कि आपके पास यहाँ पे एक मैग्नेट है एक चुंबक है ठीक है ये आपका एक चुंबक है अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर आपके पास कोई धातु है मतलब कोई लोहे की कील हो गई या फिर कोई और भी सिक्का हो गया कोई भी चीज़ जिसमें जो धातु का बना हुआ है उसको आप इस पर कंटिन्यू एक ही दिशा में बार बार रगड़ेंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो लोहे की कील है या जो आपके पास धातु है वो भी चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएगा बच्चे इस तरीके का गेम खेलते हैं कि क्या करते हैं चुंबक लेते हैं और उसके ऊपर कुछ चिपका के रख देते हैं एक हफ्ते तक उसे चिपका के रखते हैं या उसी के ऊपर रब करते रहते हैं उसके बाद बोलते हैं देखो मैंने कॉइन को मैंने सिक्के को चुंबक बना दिया मैंने लोहे को चुंबक बना दिया अब जो आपके पास एक कील होगी ना लोहे की जिसको आपने इस पर चिपका के रखा था आप ये करके भी देख सकते हैं अब उसके पास कोई भी धातु लेके जाओगे तो वो उसमें चिपक जाएगा मतलब जो हमारा धातु है वो भी चुंबक की तरह बन जाएगा आएगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसका ये जो गुण है वो धीरे-धीरे हट जाता है थोड़े टाइम के लिए वो चुंबक बन जाता है तो इसे आप करके भी देख सकते हो इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं विद्युत और चुंबक अब देखिए विद्युत और चुंबक का क्या रिश्ता है मैंने कहा था जब आप चैप्टर विद्युत धारा 12 पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी और 13 पढ़ोगे तो यहां पे आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी चुंबक आपने ये तो पढ़ा कि विद्युत धारा होगी कोई भी हमारा जो सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है हमारा चार्ज फ्लो करता है ठीक है आवेश जो होता है वो फ्लो कर रहा है और उसके विपरीत दिशा में हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है धारा जिसको हम बोलते हैं करंट ठीक है तो करंट फ्लो करता है तो ये तो हम जानते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोई भी जो सर्किट होता है ठीक है किसी भी सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है ये हम नहीं जानते ये आपको जानने को मिलेगा जहां पे भी कोई भी सर्किट होगा ठीक है आपका बल्ब लगाए बैटरी लगाए जब भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जहां पे भी विद्युत होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी होगा या आप कह सकते हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे कहीं ना कहीं चार्ज है वहां पे कहीं ना कहीं विद्युत भी है ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं इसी चीज को बताया गया है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं ये हम सभी जानते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरती है ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं सही बात है जब भी किसी तार से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गुजरेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है विद्युत उत्पन्न होती है और विद्युत उत्पन्न होगी तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा वैज्ञानिक का मानना है कि चुंबक और बिजली एक ही बल है ये मानते हैं वैज्ञानिक कि ये दोनों बल एक चुंबकीय बल और एक विद्युत बल दोनों एक ही हैं और इसको हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं और अगर आपको इसे दिखाना होता है तो हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय बल को हम एम बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई e बोलते हैं और हम बोलते हैं कि ई e और एम हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे के लंबवत रहते हैं नाइन्टी डिग्री पे हमेशा एक दूसरे के रहते हैं और ये दोनों हमेशा साथ में अगर इधर एम है तो इधर ई e होगा और अगर इधर एम है तो इधर ई e होगा लेकिन साथ में रहेंगे आगे देख लेते हैं डैनिस भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेन ऑस्टेन ने विद्युत चुंबक की खोज 1820 में की थी तो ये वैज्ञानिक है इनका शकल देख सकते हैं आप लोग इन्होंने खोज की थी इस बल की और इस खोज में लोगों को जीने के तरीके में बहुत सुधार किए और बहुत सारी चीजें भी हमें जानने को मिली अब देखिए आगे आपको विद्युत चुंबक बताया जा रहा है कि विद्युत चुंबक क्या होता है वैज्ञानिक ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक में बदलने का प्रयास आरंभ किया इस प्रकार के चुंबक को हम क्या बोलते हैं विद्युत चुंबक अब इस चीज़ को मैं थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए ये चीज़ आपको चैप्टर थर्टीन में पढ़ाई जाएगी कि हमारे पास क्या है एक चुंबक हमें लेना है ये हमारे पास क्या है चुंबक है ठीक है जी अब चुंबक के ऊपर आपको तार लपेट देनी है तार किसकी बनी होगी धातु की बनी होगी इसके ऊपर तार लपेट दीजिए अब तार को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से ठीक है यहाँ पे हम लगा देते हैं बैटरी डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है आपको एक चुंबक लेना है ठीक है ऊपर मैं बैटरी लगा देती हूँ इसके बाद अब इस चुंबक पे हमने तार लपेट दी खूब सारी तार के दो एंड होंगे इधर हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी ठीक है यानी धारा से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से अब जैसे ही इसमें से धारा प्रवाहित होगी करंट प्रवाहित होगा तो ये जो तार है ना अब ये चुंबकीय करंट चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा और इस तरीके से जो चुंबक बनेगा इस तरीके से जो चुंबक बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं विद्युत चुंबक बोलते हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में विद्युत चुंबक की शक्ति निम्न बात पे निर्भर करती है कैसे निर्भर करती है एक तो विद्युत धारा पे जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना उसकी शक्ति बढ़ेगी दूसरा कुंडलित तार की जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए हैं तार जितने बार लपेटी है ये जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा उसकी शक्ति उतना शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनेगा उदाहरण के लिए कबाड़ खाने में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है तो देखिए यहाँ पे जो कबाड़ खाना होता है यहाँ पे बहुत सारा हैवी टन वजन को उठाना होता है तो इसके लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं कि इस तरीके से क्या होता है ये हमारा क्या होता है ये हमारा विद्युत चुंबक होता है इसमें लपेट के पूरा तैयार किया जाता है अब जैसे ही इसको नीचे लाया जाता है उसमें सारा कबाड़ चिपक जाता है और उसको उठा लेते हैं लोड करके तो बहुत ही इसका एप्लीकेशन है बहुत ही इस्तेमाल है अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है इस चट्टान का या उस चट्टान का नाम बताइए जो प्राकृतिक चुंबक चुंबक है किसे कहते हैं तीसरा विद्युत की खोज किसने की थी इसके बाद विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं तो देखिए इस वाले प्रश्न को ये प्रश्न आपको गलत दे दिया है प्रश्न ही गलत दे दिया है गलत इन द सेंस कि इंग्लिश मीडियम में जो इसका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि हमारा यहाँ पे पूछा है विद्युत वाहक बल वहाँ पे पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो एक डिफ डिफरेंट चीज होती है ठीक है और यहाँ पे आपको पूछना चाहिए था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिंदी ट्रांसलेट करके देना चाहिए था पर इन्होंने विद्युत वाहक बल पूछ लिया और विद्युत वाहक बल क्या होता है हमारा ई एम एफ होता है जो एक दूसरा बल है तो जिसने भी ट्रांसलेट किया होगा उसने सही से नहीं ट्रांसलेट किया ये आपका ई एम एफ चीज है ये अलग चीज होती है और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अलग चीज होती है विद्युत चुंबक क्या होता है विद और इसकी शक्ति के को कैसे बदला जा सकता है ये पांचों प्रश्न आपको देने हैं तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है मैं उसका आंसर बता दूंगी आपको लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर वो कुछ और है ठीक है अकॉर्डिंग टू अगर इंग्लिश मीडियम हम देखें और दिस वर्कशीट देखें तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले प्रश्न में आपसे पूछा है उस चट्टान का नाम बताओ जो प्राकृतिक चुंबक है तो बहुत ही सिंपल है मैग्नेटाइट होता है हमारा दूसरा है चुंबकीयकरण क्या है यदि एक चुंबक को एक गैर चुंबक लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं ठीक है एक ही डायरेक्शन में आप रगड़ते हो तो उसे चुंबक में बदल सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं चुंबकीयकरण एक लीजिए मैग्नेट और उसके ऊपर गेम खेलिए एक धातु उठाइए उसके ऊपर रब करिए या कुछ दिन लगा के रख दीजिए वो कैसा बन जाएगा चुंबक में बदल जाएगा और इसको हम चुंबकीयकरण कहते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं विद्युत चुंबक खोज किसने की थी तो डेनिस भौतिक वैज्ञानिक क्रिश्चियन ऑस्टेन ने विद्युत चुंबक की खोज की थी 1820 में की थी जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ें तो आप इतिहास को रिवाइज करें कि 1820 में भारत में क्या चल रहा था अठारह में भारत में क्रांति हो रही थी 1820 में यूरोप में क्या चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद हमें पढ़ना है तो अट्ठारह में यूरोप में क्या चल रहा था अट्ठारह में वहां तो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी तो इस तरीके से डेट्स को अगर आप याद रखेंगे ना साइंस हिस्ट्री कभी भी डेट भूलेंगे नहीं इसके बाद अगला था कि विद्युत वाहक बल वही मैंने बोला जो विद्युत वाहक बल तो उसका आंसर मैंने बता दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं पर आपसे प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है लेकिन वो इन्होंने सही ट्रांसलेट नहीं किया है किसी विद्युत सर्किट में लगने वाला वह बल जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं विद्युत वाहक इन्होंने पूछा हमने बता दिया पर प्रश्न कुछ और होना चाहिए था तो ये आपके थ्री फोर हैं

शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं विद्युत की धारा की मात्रा और तार के कुंडलित तार की संख्या के आधार पर बदला जा सकता है कि आप जो उसके अंदर करंट डाल रहे हो, धारा डाल रहे रहे हो हो धारा वो कितनी है और जो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कितने हैं इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो तो ये आपका आंसर नंबर फाइव हो गया तो ये थी आज की शानदार वर्कशीट आई होप आपको समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें